आज फिर से मैच होने वाला है, क्या लग रहा है कि कितना बेहतर होगा ये मैच? मेरे हिसाब से तो लास्ट जो परफॉर्मेंस हुआ था इंडिया का उससे आज बेटर होगा, और सबके सबको फॉर्म में रहना चाहिए। और मैं इंडिया को बहुत विशेष करती हूँ, स्पेशली लास्ट मैच के अकॉर्डिंग मैं रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली तीनों को ऑल द बेस्ट बोलती हूँ कि इस परफॉर्मेंस और बेटर दें। ऑल द बेस्ट फॉर एवरी। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, कितना एक एक्साइटमेंट है आप लोग को आज, क्योंकि अब कुछ देर के बाद में मैच शुरू होएगा। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, इस बार इंडिया अगर जीत गई तो इंडिया की 8वीं जीत होगी। तो मेरी तरफ से तो बेस्ट विशेस है, सारे प्लेयर्स अच्छे से खेले और श्रेयस अय्यर, जडेजा और सारे प्लेयर्स अच्छे से खेले तो इस बार तो इंडिया की जीत पक्की है। वर्ल्ड कप ला रहे हैं इस बार इंडिया। हाँ जी। अच्छा देखिए, इंडिया का किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं आज आप लोग? हम लोग चेयर्स करके मोटिवेट कर रहे हैं और ऑफ कोर्स इंडिया ही जीतेगी। इंडिया, इंडिया। क्या लग रहा है अभी आज के मैच को लेके? इंडिया ही जीतेगी जी। तो देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर ये है, सारे फैंस यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं मैच का, और इनको पूरी उम्मीद है कि आज जो है इंडिया का परफॉर्मेंस पहले की तरह काफी बेहतर रहेगा, और न सिर्फ इस मैच को जीता जाएगा बल्कि आने वाले जो मैच है वो भी जीतेगी इंडिया, और वर्ल्ड कप भी इस बार इंडिया ही लेकर आएगी। ठीक ठीक ठीक। सुनील अंचोरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या लगता है, पाकिस्तान बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों ने ज्यादा देर तक हमेशा टिकने नहीं दिया है, और क्या इस बार भी जो क्रिकेट फैंस है यही सोच रहे हैं? जितने भी क्रिकेट मैच हैं उसमें सबसे रोमांचक मुकाबला अगर कहा जाएगा तो भारत पाकिस्तान का ये मुकाबला है, हाई वोल्टेज मुकाबला इसे कहा जाता है, जो कि अहमदाबाद में आज खेला जाना है। लेकिन विश्व कप के रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के ऊपर भारत हमेशा से हावी रहा है, और अभी तक जितने भी 7 मुकाबले हुए उनमें हमेशा भारत ने जीत दर्ज की है। हालांकि क्रिकेट एक गेम है और गेम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भारतीय फैंस हैं, तमाम दर्शक हैं, शाहजहांपुर से लेकर अहमदाबाद तक के जो दर्शक हैं, जो क्रिकेट प्रशंसक हैं, आप देख सकते हैं मेरे साथ ही ढेर सारे प्रशंसक यहाँ पर हाथों में तिरंगा लिए और अपने पसंदीदा क्रिकेटरों की तस्वीरें लिए यहाँ पर मौजूद है, और इन्हें उम्मीद है कि आज का जो हाई वोल्टेज मुकाबला होगा उसमें भारत अपने दमदार प्रदर्शन से एक बार फिर पाकिस्तान को मात देगा। जिस तरीके से भारतीय टीम पूरी तरीके से फॉर्म में चल रही है, चाहे वो रोहित हो चाहे वो विराट हो, और बॉलिंग डिपार्टमेंट भी पहले से काफी बेहतर हुआ जिस पर सवाल खड़े हो रहे थे, तो प्रशंसकों को उम्मीद है कि पाकिस्तान के साथ उसका मुकाबला भले ही बराबरी का रहेगा लेकिन वो इस मुकाबले में पाकिस्तान को मात देगा। और मेरे साथ सारे लोग देख सकते हैं आप, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम इन्हीं से पूछते हैं आज के मैच को क्या लगता है आपको कि कौन सा फैक्टर रहेगा कि इंडियन टीम में जिसका परफॉर्मेंस आपको लगता है कि मैच विनिंग रहेगा? मेरे हिसाब से विराट कोहली का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहेगा, उसकी शतक होगी और पाकिस्तान में इंडिया का खौफ बरकरार रहेगा। पाकिस्तान की तुलना अगर इंडियन टीम से करते हैं तो क्या बेहतर आपको भारतीय टीम में लगता है? भारतीय टीम में यह लगता है कि हमारे सभी प्लेयर अभी फॉर्म में हैं और पाकिस्तान की हालत ढीली है। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी आपका फेवरेट है और आज मैदान में कहां? आज रोहित शर्मा की शतक आएगी क्योंकि पिछले मैच में भी उन्होंने 130 रन बनाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ। आपको क्या लगता है आपका फेवरेट खिलाड़ी? रोहित शर्मा। आपका? धोनी। अच्छा, धोनी। विराट कोहली। विराट कोहली। अच्छा, क्या लगता है विराट कोहली शतक मारेंगे आज? हाँ बिल्कुल। तो क्या शाम को आज दिन भर क्रिकेट मैच के साथ साथ आप टीवी पे जाके मैच खत्म होने के बाद मैच देखने वाले हैं? यस। तो देखिए, तमाम जो छोटे बड़े प्रशंसक हैं, काफी छोटे छोटे खिलाड़ी हैं, ये न सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं बल्कि क्रिकेट की काफी बारीक समझ इनको है, और इनके अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी है। कोई रोहित शर्मा को पसंद करता है, कोई विराट कोहली को पसंद करता है, कोई हार्दिक पांड्या को पसंद करता है, किसे बॉलर पसंद है, किसे बैट्समैन, कोई ऑलराउंडर। तो तमाम प्रशंसक जो है वो इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और इन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान पर भारत एक बार फिर अपना परचम लहराएगा, और आज जो अहमदाबाद में होने वाला मैच है उसको में भारत जीत दर्ज करेगा। जी जी जी, ठीक ठीक ठीक। शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, महामुकाबला हो रहा है और उत्साह तो हम देख ही रहे हैं, आपने तस्वीरें दिखाई, वहां पर लोगों से बातचीत की कि कितने ज्यादा उत्साहित वो हैं। क्या लगता है इस बार मैच पिछली बार से कितना अलग हो सकता है? शुभमन गिल की भी एंट्री है, और हम हमेशा से देखते आए मुकाबलों में कि भारत तो हमेशा ही भारी रहा है, साथ ही साथ जो है प्रेशर, कितना प्रेशर इस बार दोनों टीमों पर रहेगा?
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए एक महामुकाबला होता है तो कहीं ना कहीं प्रेशर की बात जरूर होती है, क्योंकि एक बड़ी बात होती है कि जब पाकिस्तान के आप सामने हो तो एक अंडर प्रेशर में जरूर कुछ प्लेयर्स रहते हैं, कुछ युवा खिलाड़ी हमारे साथ उनसे जानेंगे। ये बताइए कि एक बड़ा मैच होता है, एक तो वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान से मुकाबला, तो क्या लगता है कि कुछ प्रेशर वगैरह कुछ नजर आएगा, क्या कुछ असर पड़ेगा? प्रेशर तो होगा सब पर इंडिया टीम प्रेशर इसको अपना अपनाएगी और बढ़िया खेलेगी। क्या लगता है कुछ अंडर प्रेशर जैसी कुछ चीजें बल्लेबाजों पर, क्योंकि बॉलिंग उनकी बड़ी दमदार मानी जाती है? ऐसा अंडर प्रेशर अब नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने एशिया कप में मैच देखा तो ईशान किशन जो एक युवा थे जो हम पहला डेब्यू दे रहे थे उनने अच्छा किया, मोहम्मद सिराज ने अच्छा किया, तो आज तो सब अपना परफॉर्मेंस अच्छा ही देंगे। और मोहम्मद सिराज से तो मेरे को उम्मीद है 3 से 4 विकेट की फुल फॉर्म में। अगर दूसरे बल्लेबाज बॉलर्स की बात करूं तो क्या लगता है कि जिस तरह हार्दिक पांड्या की बात हो या फिर जडेजा का होम ग्राउंड है वो, तो क्या लगता है किस तरह की परफॉर्म करने वाले हैं? बहुत अच्छा करेंगे, कल्पना ये है कि अच्छा करें और भी अच्छा करें, अच्छा तो वो करते ही हैं पर और भी अच्छा करेंगे। लेकिन एक बड़ा मुकाबला रहता है तो एक क्या लगता है किस तरह की उम्मीदें जो है वो फैंस की भी रहती हैं अपने प्लेयर्स को लेकर? ये हमारी उम्मीद है कि विराट भाई एक बार और शतक मारे पाकिस्तान के खिलाफ। और विराट, हाँ जी शैलेंद्र, विराट को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, क्या लगता है आपको? जी शैलेंद्र, टॉस होने में बस कुछ ही समय बचा है, मैं ये भी चाहूंगी आप बातचीत करें और पूछें कि किस तरह का फैक्टर रहने वाला है, कैसी उम्मीद करते हैं, क्या सोच रहे हैं भारतवासी, फैंस क्या सोच रहे हैं, बॉलिंग होनी चाहिए पहले बैटिंग होनी चाहिए, किस तरह का ये फैक्टर रहेगा? बिल्कुल जो फैंस है उनसे जान लेते, देखिए आपसे कुछ देर बाद टॉस होने वाला है, क्या लगता है कि अगर भारत टॉस जीतता है तो पहले क्या करना चाहिए? तो पहले मेरे हिसाब से उनको बॉलिंग ये चेस करना चाहिए इंडिया को, अहमदाबाद की पिच है तो आई गेस वहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस है वो, तो आई गेस इंडिया को चेस करना चाहिए पिच, तो ज़्यादा बेटर होगा आई गेस चेस करना। तो आपको क्या लगता है कि अगर पहले पाकिस्तान खेलता है और एक लंबा स्कोर अगर जाता है तो भारत पर प्रेशर नहीं रहेगा क्या? थोड़ा बहुत रहेगा, और अगर विराट भाई है तो फिर किस बात का प्रेशर, और रोहित भाई है तो अब क्या लगता है? पिछले मैच में रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़े थे 2 छक्के सबके, इस मैच में और तोड़ देंगे। देखिए कह रहे हैं कि पिछले मैच में भी विराट ने और रोहित ने रिकॉर्ड तोड़े थे और इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। देखिए सारे जो फैंस हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि भारत अगर टॉस जीतता है तो पहले उसको बॉलिंग करनी चाहिए ताकि जो स्कोर बने उसको भारत जो है वो आसानी से चेस कर सकता है, क्योंकि अगर बैटिंग लाइनअप देखते हैं तो भारत के पास एक मजबूत बैटिंग लाइनअप है, अच्छे ओपनर्स हैं, मिडिल में बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, तो ऐसे में सबको उम्मीद है सबसे ज्यादा जो है वो विराट कोहली को लेकर है कि विराट कोहली का बल्ला आज फिर बोलेगा और पाकिस्तान को पस्त करने का काम करेगी। ठीक। हिमांशु भी लगातार जुड़े हुए हैं इंदौर से। हिमांशु, शुभमन गिल की एंट्री हो चुकी है और प्रैक्टिस करते हुए वो देखे गए हैं, आखिर क्या लगता है कैसी स्थिति बन सकती है, क्या उम्मीदें हैं उनसे? हिमांशु से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील क्या लगता है शुभमन गिल की एंट्री हो चुकी है, प्रैक्टिस करते हुए भी वो नजर आए हैं, क्या सोच रही है जनता? देखिए विश्व कप शुरू हुआ था उसके बाद जो सबसे फेवरेट खिलाड़ियों में से एक गिने जा रहे थे शुभमन गिल गिने जा रहे थे, जिस तरीके से वो अचानक से बीमार हुए, उन्हें डेंगू होने की जो सूचनाएं आ रही थी, उसके बाद कल उन्होंने जो प्रैक्टिस सेशन था उसमें भाग लिया था, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि शुभमन गिल इस मैच को खेलेंगे, हालांकि लास्ट लाइनअप होने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि शुभमन गिल इस मैच को खेल पा रहे हैं या नहीं खेल पा रहे, लेकिन शुभमन गिल से काफी उम्मीद है भारत को है, जिस तरीके से लगातार वो फॉर्म में है, लगातार रन कर रहे हैं और शुभमन गिल का जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है तो भारत पाकिस्तान एक बड़ा मैच, और इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय प्रशंसक चाहेंगे कि शुभमन गिल खेले और मैच विनिंग पारी दे जिसकी वजह से भारत इस मुकाबले को जीते। तो शुभमन गिल के अलावा बाकी बैट्समैन भी है जो कि बैटर है, जो कि पूरे मुकाबले पे उनकी नजर रहेगी, चाहे वो विराट हो, रोहित हो, अगर ऑलराउंडर में देखें तो हार्दिक पांड्या है, बॉलिंग डिपार्टमेंट से भी उम्मीद रहेगी कि वो बेहतर करे, क्योंकि पाकिस्तान तुलनात्मक तौर पर जिस तरीके की टीम है तो मैच, चूंकि क्रिकेट है इसमें कहा जाता है कि पलड़ा किसी भी तरह भारी हो सकता है, कभी भी मैच पलट सकता है, तो पाकिस्तान से जो मुकाबला इससे भारत को हर डिपार्टमेंट में बेहतर करना होगा तभी भारत इस मुकाबले को जीतेगा, जिस तरीके की प्रशंसकों को उम्मीद। अहमदाबाद भारत का फेवरेट ग्राउंड भी रहा है, देश का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड रहा है। ठीक, लौटेंगे आपके पास कुछ तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए उत्साह जो है चरम पर है, इंतजार है, टकटकी लगाए सब बैठे हैं कि कब आखिर टॉस होगा, कब मैच स्टार्ट होगा। ये तस्वीरें देखिए आप, लोग बाहर जो है पहुंच चुके हैं, मैच देखने के लिए पहुंच चुके हैं, कुछ लोग घर से निकलना ही नहीं चाहते, सिर्फ टीवी के आगे बैठना चाहते हैं, तो कुछ लोग स्टेडियम पहुंच चुके हैं,
हैं, जगह जगह पर इंतजाम किए गए हैं कि लोग वहां पर बैठ सके और इत्मीनान से मैच देख सकें और चेयर अप कर सकें। इंडिया के लिए उत्साह जो है चरम पर। आप तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं देखिए कि किस तरह से पोस्टर बैनर लेकर के नारे लग रहे हैं, इंडिया इंडिया के नारे लग रहे हैं, जीतेगा तो इंडिया ही जीतेगा इसके नारे लग रहे हैं। ये जो है हमेशा हम देखते आए हैं, तमाम तरह के मैच हम देखते हैं, अलग अलग देशों के साथ हम देखते हैं, पर सबकी निगाहें पाकिस्तान और भारत के मैच पर होती हैं और इस बार भी ऐसी ही स्थिति है। स्टेडियम में आने का सिलसिला बहुत देर से शुरू हो चुका है, हालांकि 2 बजे मैच शुरू होगा, पर लोग सुबह से ही लोगों ने आना शुरू कर दिया है, लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। कुछ ही देर में बस टॉस भी होगा और सभी टकटकी लगाए इस मैच को देखते रहेंगे। देखिए दिवाली आने में समय है, दिवाली आने में समय है, पर आज भारतवासियों के लिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज ही दिवाली है। आज ही शाम में दीपावली मनाएंगे, खूब पटाखे फोड़ेंगे, आतिशबाजी करेंगे और जश्न जीत का मनाएंगे, भारत की जीत का जश्न मनाएंगे। और लगातार सहयोगी हमारे साथ सभी जुड़े हुए हैं, हिमांशु भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, इंदौर में कैसा उत्साह हम देखते हैं, जगह जगह पर तैयारियां अलग अलग तरह से की जाती हैं, जहां पर लोग इकट्ठा होकर के बैठते हैं और चीयर अप करते हैं इंडिया के लिए, आज कैसी तस्वीर आपको नजर आ रही है? क्रिकेट के दीवानों में आज गजब का उत्साह है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। 7 बार जो है भारत जीत चुका है और ये आज का मैच भी जो है भारत जीत जाए इसको लेकर यहाँ आतिशबाजी की भी पहले से तैयारी है। ये लोग पहले से आश्वस्त हैं कि भारत मैच जीतेगा। आप देख रहे हैं यहाँ आतिशबाजी के पैकेट आ चुके हैं और क्रिकेट के बल्ले और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर के लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर हर तरीके के लोग हैं। मैडम, क्या लगता है आपको? इसमें लगने जैसी कोई बात ही नहीं है, इंडिया को तो जीतना ही है। भारत की जीत को लेकर यहाँ पे लोग आश्वस्त हैं और यहाँ बैठने के लिए मैच को लेकर अलग से तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पर प्रोजेक्टर लगाया गया है जिसपे कि सारे लोग जो है आज ऑफिसों में बैठने की बजाय यहाँ पर बैठ करके क्रिकेट मैच का आनंद लेंगे और अपनी जो है क्रिकेट को लेकर जो दीवानगी है यहाँ पर इंदौर में विशेष तौर पर देखी जा रही है। यहाँ के लोगों की जो खुशी है, यहाँ के लोगों में जो उत्साह है, क्या लगता है आपको? बहुत उत्साह है हम लोगों में आज भारत पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है और उम्मीद है कि भारत बहुत प्रचंड जीत होगी भारत की और बहुत उत्साह है। भारत माता की जय। कौन से खिलाड़ी को लेकर आपको लग रहा है कि बेहतर प्रदर्शन? रोहित शर्मा बेहतर प्रदर्शन करेगा, विराट कोहली भी करेगा और वो गिल भी बहुत अच्छा खेलता है, जो अहमदाबाद में स्पेशली गया है सुमन गिल, उसके कारण ही मैच पलट जाएगा, पूरा इंडिया काफी रनों से जीतेगी। जडेजा जो कि गुजरात के हैं तो उनके परफॉर्मेंस को लेकर क्या लगता है? सर उनकी वो ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, फील्डिंग बॉलिंग बैटिंग उनका सब कुछ इतना अच्छा है कि उनके रहते जो है हमारा हार के जैसी चीज हमारे साथ होगी ही नहीं। हम बहुत अच्छे शतक से जीतेंगे और हमारे काफी खिलाड़ी 2 से 3 शतक बना सकते हैं इस मैच में, इतना उनका कॉन्फिडेंस है। पांड्या इस मैच में बहुत विनर मैच रहेगा, हार्दिक पांड्या से बहुत उम्मीद है और कुलदीप यादव जो बॉलर है हमारे, बुमराह बुम 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 बुमराह, 4 विकेट पक्का है, 4 से 5 विकेट बुमराह लेके जाएंगे। यहाँ पर प्रोजेक्टर लगाया गया है, आज ऑफिसों में काम होने की बजाय क्या क्रिकेट मैच का आनंद लेंगे लोग? पूरा आनंद लेंगे साहब, पूरा हमारा यहाँ पारिवारिक माहौल है, आज छुट्टी जैसा माहौल है, आज दिवाली जैसा जश्न है, आज हमारा नेशनल हॉलीडे है और हमारा हम लोग जो दिवाली का माहौल है हमारी तरफ, जैसा दिवाली भारत पाक का जो मैच है वो पूरा दिवाली की तरह रहता है, आज पूरा जैसे राजबाड़ा जैसा जश्न हमारा रेस कोर्स पे मनेगा आज। भारत माता की जय। किस तरीके के जश्न की तैयारी? विन विन इंडिया विन। इस तरीके के जश्न की तैयारियां हैं, शाम को क्या होगा? ढोल ताशे बजेंगे, ढोल ताशे बजेंगे, आज दिवाली मनाएंगे, दिवाली के पहले बड़ी दिवाली मनाएंगे, आज दिवाली के पहले बड़ी दिवाली मनाने की तैयारी यहाँ के क्रिकेट प्रेमी कर चुके हैं, यहाँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इंडिया जीतेगा तो हमारा दिवाली से भी बड़ा फेस्टिवल है। इंडिया की जीत को लेकर देख रहे हैं आप किस तरीके का उत्साह है यहाँ के लोगों में और अलग ही तरीके का माहौल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों ने तैयारियां कर ली हैं आतिशबाजी से लेकर हर तरीके की और अलग ही स्वरूप में यहाँ पर सारी चीजें नजर आ रही हैं।
जी 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 ठीक। शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, भोपाल का रुख करते हैं, वहां पे भी उत्साह चरम पर है और लग रहा है अभी से जश्न जो है शुरू हो चुका है और आश्वस्त पूरी तरह से जो है भोपालवासी दिख रहे हैं।